उनकी जन्मभूमि है भगवान कृष्ण की। मैं समझती हूँ भगवान को विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और राजनीति को और धर्म को अलग रखना चाहिए, और जो हमारी जो समस्याएं हैं, जो आज जनता अपने आप को मायूस महसूस कर रही है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सरकार के 10 साल पूरे जहाँ होने जा रहे हैं, वहीं प्रदेश की सरकार के भी लगभग 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव अकेले लड़ने का जो है ऐलान कर दिया है, ऐसे में दलित उनका कोर वोटर है, आप पीडीएफ पूर्व में लड़ रही है, तो दलित वोट को कैसे बैलेंस कर पाएंगे? हम लगातार अलायंस में बात हो रही है, और अगर किसी पार्टी की नेता ने कोई डिसीजन लिया है तो वो उनका हक है और वो जैसा लड़ना चाहे चुनाव। आगे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि राम मंदिर की बात चल रही है, जो मैं बोल चुकी हूँ कि विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए, राम मंदिर डिजिटल मीडिया पे एक लगातार एक ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मीडिया पे, जो भारतीय जनता पार्टी उनका कहना ये है कि विपक्ष जो है वो राम मंदिर की बात करते करते बीजेपी की बात करते करते राम का मुद्दा बना लिया उन्होंने, मतलब राम की खिलाफत कर रहे हैं इसमें भगवान राम की। ये बीजेपी मुद्दा बना रही है, आपको इस बात को समझना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं 93 वर्ष का हूँ तो अब इतने दूर जाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं रघुवंशी हूँ, मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैंने 11 लाख रुपए अर्पण भी किए हैं इसको, तो हम जम्मू में हमारा जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, और यहाँ भी लोधी रोड पे हमारा एक मंदिर है वहाँ भी कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव द ऑथर द कॉपीज ऑफ द बुक, दे आर अवेलेबल राइट इन द गार्डन एंड आल्सो वी विल हैव राजनीति को छोड़ दिया जाए।